हाय गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज एक दोबारा एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो गाइस, अभी आप लोगों को ले जा रहा हूँ मैं भूत बंगला, जो यहाँ से अभी कुछ ही दूर पर है। बने रहिए वीडियो। इधर हम लोग भूत बंगला में, यहाँ से भी पैदल जाना पड़ेगा। वो रहा भूत बंगला, तो चलो आगे दिखाते हैं आप लोगों को पास में जाके। तो चलते हैं, और यहाँ पे एक गेट बना रखा है लोगों के लिए, खौफ की हवेली। ये इमारत है उत्तराखंड के देहरादून जिले के मसूरी में। जी हाँ, वही मसूरी जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। लेकिन इन पहाड़ों की रानी के बीच भूतों का अड्डा भी है। उत्तराखंड की सबसे भयानक जगह, सही नाम जिस नाम से लोग इसको जानते हैं, वो है लांबा देहरा माइंस। ये भूत बंगला माना जाता है मसूरी का सबसे डरावना में से एक माना जाता है। तो चलते हैं अभी, कैसा है। एक बार हमने इसीलिए एक्सपीरियंस करने के लिए एक बार नाइट आउट करा था इधर, तो उस टाइम पे हमने वैसे एक्सपीरियंस किया था हल्का फुल्का, जैसे थोड़ी बहुत आवाज़ें आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना तो होता है कि आवाज़ें आती हैं रात में थोड़ी बहुत। हाँ, सुनी है। अच्छा, किस तरह की आवाज़ें रहती हैं? आवाज़ें बिल्कुल डिफरेंट रहती है। देखो, एक तो जानवर की आवाज़ होती है, राइट, वो अलग ही पहचान में आती है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होती है उनकी। जैसे मतलब कोई कहीं पत्थर फेंक रहा है तो उसके गिरने की आवाज़ है, या मतलब इसी काइंड ऑफ। अभी मैं आगे आगे है और ये मेरे साले पीछे पीछे। एक समय था जब यहाँ हजारों मजदूर काम किया करते थे, लेकिन 90 के दशक में 50,000 मजदूरों की मौत के बाद से ये माइंस बंद पड़ी है। कहा जाता है मजदूरों की मौत पत्थरों से निकली जहरीली गैस के कारण हुई थी, और अब उन मजदूरों की आत्मा यहाँ वास करती है। तो गाइस, आगे अभी ये है, ये है भूत बंगला। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये तरफ मूवी जो शूटिंग हुआ था ना, वो यहाँ पे शूटिंग हुआ है बोल रहा है। तरफ मूवी आप लोग ने देखा होगा, सुनील शेट्टी का, वो जो लड़का का है ना, वो बोला वो उधर में एक सीन है इस भूत बंगले का ना, तो आप लोग आ सकते हैं इधर में। हिस्ट्री ये है कि यहाँ पहले माइनिंग होती थी, माइनिंग चलती थी काफ़ी जैसी, और तो वहाँ पर काफ़ी मतलब अराउंड 50,000 से ऊपर अब लोग काम करते थे। तो रीज़न ये था, ये इसका बंद होने का रीज़न ये था कि यहाँ लोग काफ़ी लोग मर गए थे। इस रीज़न ये था उसके पीछे कि उनके लंग्स को अफेक्ट कर रहा था कोई वायरस, लंग्स और लीवर को काफ़ी ज़्यादा। और सेकेंडली उस साइड तो ये हुआ था, उस साइड इस तरीके से लोग मरे थे, वो सामने होता है। और जो ये बैक साइड आप देख रहे हैं मेरे, यहाँ ऑफिस हुआ करता था उनका, तो यहाँ जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर आग वगैरह लगी थी, तो यहाँ भी काफ़ी लोग उस वजह से मरे थे। तो बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भी आदमी, जो इंसान है ना, कोई भी इंसान यहाँ पे नाइट होल्ड नहीं कर सकता है, बहुत डरावना है, ऐसा बोल रहा है। तो नीचे भी है, इधर देखो, भैया जी क्या ढूंढ रहा है? कबार, बोतल, बोतल। और ये वैसे तो टूटा फूटा एक मकान सा लग रहा है मुझे, तो ये कुछ टूटा फूटा मकान दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं। ज्यादातर लोगों ने हमेशा भूतों के अस्तित्व को नकारा है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसी असाधारण घटना हुई है जिस कारण भूतों की स्थिति का एहसास होता है। तो गाइस, जो पहले यहाँ पे जो रहता था ना, जो इस घर मकान में, वो लोग वहाँ पे काम करता था बोलते हैं। उधर देखो, उस जगह में उधर कुछ खदान जैसा नज़र आ रहा है मेरे को ना,
तो वहाँ पर वो लोग काम करता था बोल रहा है। तो ऐसा कुछ कहानी है, वो क्या है पता नहीं, वो पहाड़ एक पूरा खोदा हुआ है पहाड़, पता नहीं क्या काम करता था वहाँ में। ये जो मकान है ना, तो इसमें आधा तो टूट गया, अभी इस साइड में तो पूरा दीवार दीवार रह गया। और यहाँ पे पहले ना फौजी लोग होता है ना, फौजी लोग को यहाँ पे नाइट गुजारने के लिए भेजता था ऐसा बोलता है। शुरू शुरू में जब भर्ती होता है ना, तो उनका जो डर है ना, डर को भगाने के लिए, तो मतलब कितना कितना मतलब आदमी डरपोक है कि नहीं है वो चेक करने के लिए यहाँ पे ऐसा बोल रहा है, मेरे को पता नहीं। और कैसे अभी जा रहा है वापस पैदल पैदल, अभी वापस जा रहा है, उसके बाद चलते हैं अभी फिर। सुसाइड वगैरह भी कुछ हुए हैं इस तरह? सुसाइड्स तो हुए हैं, सुसाइड्स मेरे सामने भी हुआ है अभी कुछ टाइम पहले ही। वो यहीं शॉप लगाते थे, तो उनका कुछ शायद पर्सनल रीज़न होगा उस वजह से सुसाइड किया होगा उन्होंने, इसी जगह पे सुसाइड किया था। हाँ, जितना मैंने सुना था वो ये है कि उन्होंने फांसी वगैरह लगाई थी। और आज के लिए इस ब्लॉग के लिए इतना ही, अब आएंगे नेक्स्ट अगले ब्लॉग के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।